हेलो दोस्तों, हिंदी मूवी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही हमारे फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है और हमारे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होती है तो दोस्तों यहां पर एक नोटिफिकेशन लाइट जलना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरे फोन में यहां पर नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रही है। इस नोटिफिकेशन लाइट की वजह से दोस्तों हमें पता चल जाता है कि हमारे फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। लेकिन ये नोटिफिकेशन लाइट सभी एंड्रॉइड फोन में नहीं होती है, तो अगर आप भी कोई ऐसा एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं कि आपके फोन में नोटिफिकेशन लाइट नहीं है तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉइड फोन में नोटिफिकेशन लाइट को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक एप्लीकेशन पर। तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको एक कमेंट कर देना है, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास है ये मोबाइल, ये सैमसंग का फोन है, इसके अंदर नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। इस फोन में मैं आपको नोटिफिकेशन लाइट एनेबल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको फोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे ओपन करने के बाद आपको इसे कुछ परमिशन दे देना है। अगर आप इसे परमिशन नहीं देंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फोन में वर्क नहीं करेगी। तो फटाफट से यहां पर मैं इसे परमिशन दे देता हूं और आ जाते हैं बैक। अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है और ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आपके मोबाइल की सभी एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको यहां पर कुछ सेटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपके फोन पर व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन लाइट यहां पर जलना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप के सामने जो सेटिंग है इसे एनेबल कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। इस तरह से जो भी एप्लीकेशन के सामने आप सेटिंग को ऑन कर देंगे और उस एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन लाइट जलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने व्हाट्सएप पर सेट कर दिया है। मैं मोबाइल की स्क्रीन को करता हूं ऑफ और यहां से एक मैसेज कर देता हूं, ये मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही यहां पर मैसेज आया तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे फोन में यहां पर नोटिफिकेशन लाइट जलना शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में नोटिफिकेशन लाइट को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये लाइट जलती ही रहेगी जब तक कि मैं मैसेज को चेक नहीं कर लेता। इस तरह से दोस्तों ये ट्रिक काम करती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर नोटिफिकेशन लाइट नहीं है तो आप इस ट्रिक को यूज कीजिए, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन लाइट एनेबल हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।